मथुरा में बच्चा चोरी की एक और घटना सामने आई है। बता दें कि 2 साल की मासूम बच्ची को सोते वक्त कोई उठा ले गया। मासूम के लापता होने की खबर से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। पुलिस पीड़ित की तहरीर के बाद सरगर्मी से मासूम की तलाश कर रही है। मथुरा में बच्चा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला वृंदावन का है, जहां 2 साल की मासूम बच्ची को रात में सोते वक्त अगवा कर लिया गया। पुलिस ने कई जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। इधर मासूम की माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, घटना परिक्रमा मार्ग स्थित सोहम आश्रम के पास रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक सड़क किनारे रेलवे कर्मियों के लिए बनाई गई एक कोठरी की है, जहाँ कबाड़ और प्लास्टिक का काम करने वाला एक परिवार, जो 10 दिन पहले ही लखीमपुर खीरी से वृंदावन आया था, रह रहा था। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मोढ़ेसी, मथुरा।